हे एवरीवन, दिस इज़ मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज एक स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, द डचेस एंड द ज्वेलर, जिसको लिखा है वर्जीना वुल्फ ने। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आती है। और साथ में, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं है तो प्लीज़ वहाँ पर भी कर मेरे साथ जुड़े, क्योंकि उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आती रहती है, उनकी भी नोटिफिकेशन जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, जैसे इसके PDF हुए, या इंस्टाग्राम पे आपको जो भी वीडियो चाहिए कि ये वीडियो हमको जल्दी में चाहिए, ये वीडियो में ये कन्फ्यूजन है, वो आप कह सकते हैं, ठीक है, रिप्लाई जरूर मिलता है। ये जो टॉपिक है द डचेस एंड द ज्वेलर, जिसको वर्जीना वुल्फ ने लिखा है, तो सबसे पहले वर्जीना वुल्फ के बारे में, यानी कि जिसको ऑथर है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो अबाउट द ऑथर, वर्जीना वुल्फ 1882 में जिनका जन्म हुआ था और 1941 तक का उनका यू नो लाइफ पीरियड था, इज अ वेल रियॉन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट। ठीक, इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरी राइटर थी और नॉवलिस्ट थी, और शी इन्जॉय अ यूनिक प्लेस फॉर बींग द पिनियर ऑफ मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने बहुत इंजॉय किया अपनी जिंदगी को इंग्लिश लिटरेचर में। हर मोस्ट फेमस वर्क आर नॉवल टू द लाइट हाउस, मिसेज डोलवे और एंड ऑरलैंडो एंड एन एस्से। तो ये सब जो उनके फेमस एस्से हैं, वर्क्स हैं, नॉवल्स हैं, जैसे नॉवल्स में उन्होंने लिखा टू द लाइट हाउस, एस्से में हो गया अ रूम ऑफ वंस ऑन। शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर एंड विक्टोरियन लिटरेरी सोसाइटी। तो विक्टोरियन लिटरेरी सोसाइटी में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था, एक इम्पॉर्टेंट फिगर था, एंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेरी पर्सनैलिटी ऑफ द 20th century। और 20th century में ये एक बहुत ही मतलब यू नो मॉडर्निस्ट लिटरेरी पर्सनैलिटी थी एक। नाउ मोस्ट ऑफ द वर्जीना वुल्फ वर्क्स अलो फॉर आर डीपर इंसाइट इन टू द साइकोलॉजिकल ऑफ साइकोलॉजी ऑफ अ करेक्टर एंड इट्स रियल थिंकिंग। थ्रू दे आर ऑफन criticized for its showy and snobbish depiction of the character. During the last phase of her life, तो अपने life के last अंतिम समय में she underwent a nervous breakdown. She turned into a victim of self-depression. तो वो depression में चली गई थी, यानी कि अपने जब उनका शासन यानी कि जीवन का शासनकाल कहते हैं ना, एक होता है कि शासनकाल जो राजा राजा महाराजा का होता है, एक होता है जीवन का शासनकाल, यानी कि जब जीवन का अंत मोड़ आ गया था, उस टाइम जो है वो depression में जाने लग गई थी। All this greatly disturbed her life and she fell a victim to mental instability that eventually became the cause of a suicide, जिससे उनको suicide करने पर वो मजबूर हो गई 1941 में। जो है वर्जीना वुल्फ की जो है मृत्यु हो गई, यानी कि उन्होंने suicide कर लिया। तो हमने वर्जीना वुल्फ का जो भी उनका कार्य था, उनका लाइफ टाइम था, और उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या लिखा, वो सब हमने पढ़ लिया। नाउ जो स्टोरी है जो हम पढ़ने आए हैं, मेन चीज़ वो चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, यानी कि स्टोरी की समरी पर चलते हैं। द स्टोरी पोर्ट्रे द इंग्लिश सोसाइटी ऑफ दोज डे व्हेन द हाई अप्स वर कमिंग डाउन, द नोबिलिटी वाज सफरिंग फ्रॉम मॉरल डिकेडेंस। द राइटर हैज हाईलाइटेड द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ लस्ट फॉर वेल्थ। ओलिवर द प्रोटैगनिस्ट लिव्ड इन द पुअर क्वार्टर ऑफ द टाउन। बोले ये जो स्टोरी है इसमें क्या होता है, इस ये ऐसी सोसाइटी के बारे में हमारे को दर्शाया गया है जिसमें से बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस है, बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर जो है लोभ है, ठीक है। और इसमें जो है एक करेक्टर है जिसका नाम है ओलिवर, ठीक है, वो वाला इसमें उसका पहले एक पुअर रोल था, देन वो रिच कैसे बना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। इसमें देखो सबसे पहली बात है, दो करेक्टर हैं, एक डचेस और एक डचेस कौन होता है, ड्यूक की वाइफ या जो अमीर होती है, वो भी अमीर रिची कैटेगरी में आती है, ठीक है, डचेस। और दूसरा हमारा जो है ज्वेलर, ज्वेलर कौन है, ओलिवर जो है ज्वेलर का नाम है। द स्टोरी इज अबाउट अ वेरी रिच एंड सक्सेसफुल ज्वेलर। ये जो स्टोरी है, अब ज्वेलर में आप JEWELL भी कर सकते हैं और LER भी कर सकते हैं, ठीक है, आप स्पेलिंग में अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपको स्टोरी में, अगर आप क्वेश्चन में LL करके द डचेस एंड द ज्वेलर LL करके लिखा हो तो आप LL ही डालिएगा, ठीक है। द स्टोरी इज़ अबाउट अ वेरी रिच एंड सक्सेसफुल ज्वेलर ओलिवर बैकन। तो ये जो स्टोरी है ये किसके ऊपर है बेस्ड है, एक बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल ज्वेलर के ऊपर, जिसका नाम क्या है, ओलिवर बैकन एंड द डचेस, और एक डचेस के ऊपर। द वाइफ ऑफ द डचेस केम टू हिम टू सेल हर फॉल्स पियर्स ऑफ द प्राइज ऑफ जेन्युइन पियर्स। देखो क्या होता है कि बोलते हैं ना कि डचेस इसमें क्या होता है, आती है
कुछ झूठे मोती लेकर, हीरे मोती लेकर बेचने के लिए उसको जेन्युइन प्राइस पे, यानी कि वो जो हीरे मोती होते हैं वो जो है वो नकली होते हैं, लेकिन वो ऐसा शो करती है कि असली हैं और मुझे जो है इस पे दे दिया जाए, क्या पैसे मुझे जो है इस पे दे दिए जाएं। बाय अ शार्प डील ही मैनेज टू गेट सम प्रीशियस स्टोन विच ही सोल्ड एंड मेड अ ह्यूज प्रॉफिट। और वो कर भी देती है, जैसे वो सोचती है कि मैं इस तरीके से जाऊंगी, इस तरीके से मैं बेचूंगी और मैं बहुत सारा पैसा ले लूंगी, ऐंठ लूंगी, ठग लूंगी ज्वेलर को, वो वैसे ठग भी लेती है। ठीक है, अब कैसे ठगती है वो हम आगे पढ़ेंगे। देन ही सेट हिमसेल्फ अप एज अ ज्वेलर, ही सोल्ड स्टोलन डॉग्स टू द फैशनेबल लेडीज ऑन संडे। और जिस ज्वेलर के साथ वो बेचती है, वो ज्वेलर पहले बहुत गरीब हुआ करता था, पहले वो डॉग्स को बेचा करता था अमीर अमीर फैशनेबल लेडीज़ को संडेज़ को जाके, और बहुत सस्ती सस्ती जो वॉचेस होती है ना, घड़ी, वो महंगे महंगे दाम में बेचा करता था। धीरे धीरे करके ओलिवर जो है, ओलिवर बेकन जो है, इस तरीके से अमीर हुआ था और एक रिचेस्ट ज्वेलर बना था। वो इतना अमीर हो चुका था कि वो इंग्लैंड का जो है वो रिचेस्ट ज्वेलर में से एक था। ओलिवर हैड बिकम द रिचेस्ट, मतलब सबसे अमीर ज्वेलर था वो। ही लिव्ड एट द टॉप ऑफ द हाउस, सबसे ऊपर रहता था वो, ओवर लुकिंग द ग्रीन पार्क में। एनी हाउ ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद, लेकिन वो बोलते हैं ना किसी किसी के अंदर जितना भी मिल जाए एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती, तो वो सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ उसके अंदर नहीं थी, वो अपने पैसों से सेटिस्फाइड नहीं था। ही लॉन्ग्ड फॉर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड वंडरफुल डील, उसको हमेशा चाहिए होता था कि मुझे एक बेहतरीन से बेहतरीन डील मिलता जाए, दैट वुड ओवर शेडो ऑल डैट ही हैड डन टिल देन। और वो ऐसा करने की पूरी प्रयत्न करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, ही वेंट टू हिज शॉप यूजुअल, अ डचेस केम टू मीट हिम, तो एक डचेस आती है उससे मिलने के लिए। शी वॉज ड्रेस्ड इन द हाइट ऑफ फैशन, बहुत सुंदर लग रही होती है। शी ओपन द लेदर बैग, वो अपना एक लेदर का बैग खोलती है, एंड ड्रॉप्ड 10 पियर्स ऑफ द पियर्स होती है, यानी कि 10 मोतियाँ निकालती है और उसके टेबल पे रख देती है। विच शी वॉन्टेड टू सेल फॉर 20,000 pounds, और वो कहती है मुझे इसके बदले जो है वो 20,000 pounds जो है वो चाहिए, अपनी करेंसी में वो मांगती है। द ज्वेलर न्यू डैट द डचेस हैड वंस चीटेड हिम बाय सेलिंग फॉल्स डायमंड, तो ज्वेलर को पता है कि एक बार ये मेरे साथ चीटिंग कर चुकी है, तो हो सकता है ये मेरे साथ फिर से चीटिंग करने आई हो। दिस टाइम ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी डिजर्व्ड, तो इस टाइम वो नहीं चाहता था कि वो फिर से चीटिंग में जो है वो शामिल हो जाए, यानी कि फिर से उसके साथ जो है वो चीट हो जाए। सो ओलिवर टुक अ पियर, और तो उसने उस मोतियों को अपने हाथ में लिया। ही वॉन्टेड टू रिंग द बेल, और वो रिंग मतलब बेल को बजाने ही वाला था कि जो इसको जो है वो टेस्टेड के लिए ले जाओ, यानी कि अपने किसी सर्वेंट को बुलाकर इस रिंग के थ्रू वो बुलाता और उसको देता कि जाओ इसको जो है वो चेक कराओ। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो जो डचेस है फिर से वो क्या हो जाती है, वो पकड़ा जाती ना, वो नहीं ठग पाती उसको। तो बट द डचेस प्रूव्ड हर बिट क्लेवर फॉर हिम, लेकिन डचेस जो थी बहुत क्लेवर थी, तो उसने अपना एक क्लेवरपंती का एक निशानी दिखाया। शी डू द ज्वेलर डैट द प्राइम मिनिस्टर वॉज होल्डिंग अ पार्टी वेयर डायना वुड ऑल्सो बी प्रेजेंट, शी इन्वाइटेड हिम टू अटेंड द पार्टी। डायना वॉज द डचेस डॉटर हुम द ज्वेलर लव्ड फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। अब क्या बोला यहाँ पे कि अब इसको एक चाल चलना था, इसने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, यानी कि इस ज्वेलर का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ताकि वो चेकिंग के लिए ना दे उस मोतियों को, वो क्या करती है, तुरंत बात को चेंज कर देती है, बात को घुमा देती है। कहती है पता है मैंने एक पार्टी रखी है इस वीकेंड पे, और उस पार्टी में जो है प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, और साथ में मेरी बेटी डायना भी रहेगी वहाँ पे, और वो चाहती है कि तुम उस पार्टी में आओ। अब डायना जो है, डायना को जो है वो ज्वेलर का एक सॉफ्ट कॉर्नर है डायना के लिए, वो डायना को बहुत पसंद करता है। अब डायना कौन है, डायना जो है वो डचेस की जो है वो डॉटर है, और वो कहती है कि डायना चाहती है कि तुम उस पार्टी में आओ। अब ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि डायना से वो बहुत प्यार करता रहता है, तो वो सोचता है कि अब मैं डायना से मुझे मिलने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, उस पार्टी में बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होगा, साथ में मुझे डायना के साथ पूरी रात उस पार्टी में इंजॉय करने का मौका मिलेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अगर मैं अब ये मोतियों को चेकिंग करने के लिए भेजता हूँ, तो क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ कि मोती तो नकली ही हैं, अगर इसको भेजता हूं तो एक डाउट क्रिएट हो जाएगा, तो हमारा संबंध अच्छा नहीं होगा, तो ये शायद मेरे को पार्टी में फिर इनवाइट ना करे। तो ये पार्टी का इतना अच्छा मौका खोना नहीं चाहता था, इसीलिए ये क्या करता है, उस मोतियों को चेकिंग के लिए उसके सामने नहीं भेजता है। वो कहता है बाद में मैं चेक कर लूंगा, अभी भेजूंगा तो शायद हमारा रिश्ता खराब हो जाए, रिलेशन जो है वो अच्छा ना बने। ठीक है ना, नेक्स्ट पैराग्राफ, द डचेस ऑफर्ड हिम टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम अलोन विद डायना, तो डचेस जो है वो ऑफर करती है उसको कि तुमको जो है बहुत लंबा समय मेरी बेटी डायना के साथ स्पेंड करने को मिलेगा। ओलिवर विश टू स्पेंड अ लॉन्ग वीकेंड विद डायना, और ओलिवर का भी मन रहता है कि वो डायना के साथ जो है वो स्पेंड करे वीकेंड को। ही वॉज टेम्प्टेड बाय हर ट्रिक, वो समझ तो गया था कि वो उसकी ट्रिक है, एंड रोट अ चेक फॉर 20
20,000 pounds एंड गेव इट टू द डचेस. तो वो उस जाल में फंस गया और 20,000 pounds का एक चेक लिखा और उसको दे दिया. लेटर ऑलिवर केम टू नो डैट प्रियर वॉज आर्टिफिशियल. बाद में ऑलिवर जो है उसको पता चल गया कि वो जो मोतियाँ थी वो आर्टिफिशियल थी, जो पर्ल्स थे वो आर्टिफिशियल थे. ठीक है, इससे पहले जितने भी पर्ल्स मतलब 10 pearls उसने टेबल पे निकाल के पर्ल्स रखे थे वो जो थे वो क्या थे, नकली थे. इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी इज़ वेयरिंग अ स्मोक स्क्रीन. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दुनिया है इसमें सबने एक स्मोक स्क्रीन, यानी कि हर एक इंसान के आगे जो एक धुंधला एक स्क्रीन है. नोबडी कैन जज द हिडन ऑफ एनीबडी. तो इंसान के अंदर क्या है, इंसान के दिल में क्या है, कोई भी जज नहीं कर सकता. सो द राइटर हैज़ गिवन अस द थीम डैट लाइफ मस्ट बी स्पेंड एंड विद अ सेंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ. लाइफ इज़ नॉट एज ईजी एज इट लुक. तो लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिखती है. किस इंसान के अंदर क्या है हम जज नहीं कर सकते. तो इस ये जो स्टोरी के माध्यम से वो दिखाना चाहती है कि दोनों के अंदर में क्या है, छल है, कपट है, दोनों ही करप्ट हैं, दोनों ही ग्रीडी हैं, दोनों को ही पैसों का लालच है, दोनों ही एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं. दोनों के अंदर जो है वो सेम है. एक उसके एक चाहता है कि हम प्राइम मिनिस्टर के पास बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो अपने आप में ठगने को भी तैयार हो गया अपने एक ग्रीडी में आके एक डायना के साथ टाइम स्पेंड करने को लेकर. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, वी फाइंड दैट द ज्वेलर एंड द डचेस आर रिच पीपल. तो हमने फाइंड क्या किया कि जो ज्वेलर है और डचेस है वो दोनों ही रिच पीपल हैं, बट देयर इंटेंशन एंड मोटिव्स आर मीन. लेकिन दोनों ही स्वार्थी भी हैं. दोनों के इंटेंशन जो हैं, दोनों के जो मोटिव्स है वो क्या है, मीन है. एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, जब स्टोरी की शुरुआत हुई थी, वी हैव अ सेंस ऑफ एडमिरेशन फॉर द ऑलिवर बैकन वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन. लेकिन हम ये स्टोरी से स्टार्टिंग से ही देख सकते हैं कि ऑलिवर जो है वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन था. स्टार्टिंग से उसने डॉग्स को बेच कर पैसे कमाए, उसके बाद उसने वॉचेस को महंगे बेच कर पैसे कमाए, और आफ्टर डैट उसने एक ज्वेलर वो बना और उसने जो है वो मतलब काफ़ी इतना बड़ा वो ज्वेलर बना कि वो इंग्लैंड का रिचेस्ट ज्वेलर में से एक था. तो एक वो हार्ड वर्किंग पीपल जो था वो एक मानने वाली बात है कि ज्वेलर था, यानी कि ऑलिवर बैकन था. सो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम आईडी लिंक्स आर प्रेजेंट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. क्लिक द लिंक एंड आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं. और यहाँ पे जो है आपको इंस्टा का नेम भी शो हो रहा है, माई लर्निंग क्लासेस, ब्रैकेट में आप सुमी झा डालेंगे तो सर्च से भी आप ढूंढ सकते हैं. बाकी इसके जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल सकता है. टेलीग्राम भी सेम नेम से है, माई लर्निंग क्लासेस, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.